एक आदमी पर चेहरे दो। विज्ञान अपने आप में ही एक चमत्कार है। इसने दुनिया में अंधविश्वास को खत्म किया है। चिकित्सक के रूप में विज्ञान ने मनुष्य के कष्टों को भी दूर किया है। विज्ञान ने ऐसी दवाइयां बनाई हैं जिनकी बदौलत छोटी बड़ी बीमारियों चंद पलों में ठीक हो जाती हैं। उच्च तकनीकी उपकरणों के प्रयोगों से असंभव व असाध्य समझे जाने वाले कई बीमारियों का इलाज हो पाया है, लेकिन इसके बावजूद इनका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एडवर्ड मोडॉक, इनका जन्म 18वीं सदी में न्यूयॉर्क में हुआ था और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इनके जन्म से ही दो सिर थे, लेकिन इनका दूसरा से या तो हंस सकता था या तो रो सकता था, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था। सबसे ज्यादा परेशानी इन्हें लेटने पर होती थी। इन्होंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन हर डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए मना कर रहा था क्योंकि उनकी सर्जरी से उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। अंत में इन्होंने 23 वर्ष की उम्र में सुसाइड कर ली। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।